कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने विदेश दौरे पर दिए गए बयानों को लेकर खूब चर्चा में है, लेकिन बीजेपी भी राहुल पर पलटवार करने में देर नहीं करती है। इस बार मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तगड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर ऐसा तंज कसा है जिससे कांग्रेसियों की नाराजगी बढ़ सकती है। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों भगदड़ मची हुई है। पहले हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और उसके बाद वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को सलाह दी है। मिश्रा ने बिखरती कांग्रेस को बचाने के लिए ट्वीट किया है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल और कपिल सिब्बल कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर आगे कहा है कि राहुल गांधी विदेशों में मौज ले रहे हैं। इधर उनकी फौज में भगदड़ मची हुई है। एक सप्ताह में तीन बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस का काम हो गया है। अब राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान नहीं कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाएं। बता दें कि विदेश में दिए केरोसिन वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। बीजेपी की ओर से ये भी कहा गया है कि कांग्रेस नेता राष्ट्र के खिलाफ बोलने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। बता दें कि उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर के खत्म हुए 10 दिन भी नहीं हुए हैं और नेताओं के विदाई का सिलसिला शुरू हो गया है। पंजाब के बड़े नेता सुनील जाखड़, गुजरात के बड़े पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़ दिया। इसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। वहीं खबरों की माने तो आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई और नेता भी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के नेताओं को भी राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरने का जबरदस्त मौका मिल गया है। राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं, जिससे पार्टी की काफी फजीहत हो रही है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।